हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछली बार हमने जो एपिसोड बनाया है स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल पार्ट 3 के नाम पे, उसी को कंटिन्यू करते हुए ये आज का स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल पार्ट 4 बनाया जा रहा है। पार्ट 1, 2, 3 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जिन्होंने भी ये एपिसोड नहीं देखे है वो जाकर क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको स्टार्टिंग से लेकर सारी बातें समझने में आसानी हो। तो हम ये पार्ट 4 कंटिन्यू करेंगे। स्पिरिट वर्ल्ड की दुनिया में ट्विन फ्लेम की पोजीशन किस तरह से बढ़ती है या किस तरह से नीचे गिर सकती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का ये विषय है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, 3D वर्ल्ड में जो हमारी पोजीशन होती है या जो हमारा स्टेटस होता है, वो ज़रूरी नहीं कि स्पिरिट वर्ल्ड की दुनिया में भी हमें वही स्टेटस मिलता है, क्योंकि वहाँ पर का मिलने वाला स्टेटस और वहाँ पर की मिलने वाली पोजीशन हमारी गुणवत्ता और हमारे कर्मा के आधार पर ही निर्भर करती है। भले ही हम पृथ्वी पर कितनी भी बड़े पोजीशन में रहे, टेम्पररी यानी कुछ ही सालों के लिए, हमें भले ही पृथ्वी पर अपना अस्तित्व अपने दिमाग और टैलेंट से या कुछ चालाकियाँ करके हमने अपने आप को कितना भी ऊपर उठाया होगा, लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड की दुनिया में ये चालाकियाँ हमारी नहीं चलती हैं। पृथ्वी पर हमें अपने भौतिक मन से यानी कि हमारे दिमाग से, एटीट्यूड से, हमारे टैलेंट को देखकर हमें नवाजा जाता है, लेकिन ये सारी चालाकियाँ हमारे स्पिरिट वर्ल्ड की दुनिया में चलने वाली नहीं होती है। पृथ्वी पर बड़े से बड़े पोजीशन में बैठने वाला इंसान स्पिरिट की दुनिया में बहुत ही नीचे स्तर में जाकर बैठ सकता है, अगर वो अहंकार से भरा हो, अगर वो गर्व से भरा हो, अगर वो ईर्ष्या और द्वेष से भरा हो और सारी ज़िंदगी उसने हर किसी को दुख ही दिया हो, हर किसी को कम लेकर उसका अपमान किया हो, अहंकार से अपने आप को उच्च स्वरूप का दर्जा देकर दूसरों को नीचा दिखाया हो और अपने पोजीशन पर और अपने स्टेटस पर इतना ज़्यादा घमंड करके बैठ गया हो कि दूसरे सिर्फ उसके हाथ के नीचे काम करने वाले हैं और उनकी कोई औकात नहीं है और उनके साथ हमारी कोई लेवल नहीं हो सकती है, ऐसे विचारों से अपनी आत्मा को दुष्ट बनाने वाली कोई भी आत्मा, चाहे वो पृथ्वी पर कितनी भी बड़ी पोजीशन में क्यों ना रहे, कुछ चंदों के लिए अपना स्थान ग्रहण कर ले, लेकिन उसके ये सारे दुष्ट कर्मा उसको स्पिरिट की दुनिया में ऐसे स्थान पर ले जाकर रख देते हैं जहां वो आत्मा खुद अपने आप पर शर्म करने लगती है और उसके सामने जिन लोगों को उसने पृथ्वी पर नीच समझा था, कम समझा था, वो आत्माएं अपनी अच्छाई और अपनी विनम्रता से उसी के सामने स्पिरिट की दुनिया में उच्च स्तर की पोजीशन पर रह सकती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये बात वो तब तक नहीं समझता जब तक वो धरती पर अपने ही घमंड में लोगों को बस नीचा ही दिखाता रहेगा। इस धरती पर रहने वाला एक विनम्र भिखारी भी अपनी विनम्रता से और अपने सद्गुणों से स्पिरिट की दुनिया में उन उच्च श्रेणी की आत्माओं के बराबर हो सकता है जिसके बारे में उसने भी पृथ्वी पर कभी सोचा नहीं होगा। ऐसी आत्माएं कभी दूसरों को नीचा नहीं दिखाती, बल्कि वो अपने कर्मों को पृथ्वी पर परीक्षा के रूप में अपने सारे भोगों को भोग कर अपने जन्म को सफल बनाकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करके अपना जन्म सफल बनाती है, चाहे उनकी लोगों के द्वारा कितनी भी अवहेलना क्यों ना हो जाए, उन्हें चाहे समाज से कितनी भी आलोचना मिले या रिजेक्शन मिले और वो चाहे इस धरती पर कोई भी बड़ी पोजीशन ना बना पाए, लेकिन उनकी पोजीशन सिर्फ ईश्वर की नज़र में होती है। ऐसी आत्माएं उच्च श्रेणी में प्रवेश करती है। इसलिए अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या ऐसे अवगुणों से हमारा आध्यात्मिक स्तर नीचे गिरता है जिससे हमारी आत्मा मलिन होकर अपना स्थान खुद तय कर लेती है। इसलिए जितना हो सके अपनी आत्मा को शुद्ध, निर्मल और क्लीन बनाइए। बाहर की अवडंबरों को मत देखिए कि कौन कितने बड़े पोजीशन पर है और कौन कितना अमीर है। आपकी पोजीशन और आपकी अमीरी बढ़ाने वाली आपकी अपनी खुद की आत्मा है जिसे चाहे दुनिया देखे या ना देखे, लेकिन ईश्वर की नज़रें सिर्फ उसी के ऊपर होती है और हमारी आत्मा से ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं और कोई दूसरा माध्यम नहीं है शिवाय आत्मा के। जितनी जल्दी हमारी आत्मा शुद्ध बनेगी उतनी जल्दी हमारी आत्मा ईश्वर तक पहुंच जाएगी। और आत्मशुद्धि के लिए बहुत सी साधनाओं को उपलब्ध किया जा चुका है जो आपको आपके मंजिल तक, आपको आपके अंतिम लक्ष्य तक पहुँचा देंगे। इसीलिए किसी भी बात की चिंता ना करें, बस चलते रहे। कोई साथ आए या ना आए, कोई आपको सुने या ना सुने,
कोई आपकी प्रशंसा करे या ना करे, इन सवालों में अपने आप को फंसाइए मत। बस अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते रहे, क्योंकि स्पिरिट की दुनिया में आपकी पोजीशन और आपका स्टेटस तय करने वाले खुद ईश्वर होंगे। इसलिए किसी भी तरह से अपने आप को कमज़ोर ना होने दे, हमेशा विनम्र रहे, बस अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनते रहे और सही दिशा में, ईश्वर की दिशा में अपने कदमों को बढ़ाते रहे। ईश्वर आपको ही देख रहे हैं और वो आपके बहुत ही नज़दीक है। आप एक कदम ईश्वर की दिशा में बढ़ाएंगे तो ईश्वर 10 कदम आपकी दिशा में बढ़ाएंगे। आखिर में जीत आपकी ही होगी और निश्चित ही आपकी ही होगी। सदा खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।